वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे आप सब, मेरा नाम है नितिका और आज की वीडियो होने वाली है बहुत 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 एक्साइटमेंट है मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि आज की वीडियो के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो अमेज़न हॉल होगा, फर्स्ट इंप्रेशन होगा क्योंकि सारे नए प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं इस मेकअप लुक के लिए, और ये है मेरा ग्लैमरस वैलेंटाइन डे मेकअप लुक जिसमें मैंने व्हाइट कलर का टॉप पहना है, बहुत सुंदर सा एक चोकर सेट पहना है। ये व्हाइट टॉप और ये चोकर दोनों ही मैंने अमेजोन से ही परचेज किए थे, और अगर अभी तक आपने मेरे अमेजोन हॉल पिछले वाले नहीं देखे हैं तो जाइए फटाफट से जाके उसको चेकआउट कीजिए, और अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और ये वाला मेकअप लुक जो मैंने अचीव किया है वैलेंटाइन डे के लिए, इसको भी आप देखिए और प्रोडक्ट के जितने भी रिव्यूज हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं मेकअप लुक। और हाँ, मेकअप लुक अच्छा लगेगा तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेकअप लुक आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई एम ऑल सेट टू डू माई मेकअप। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट गाइस मैंने परचेज किया है अमेजोन से, वो है प्राइमर ऑफ कोर्स, क्योंकि मेकअप लुक के लिए प्राइमर ही सबसे पहले चाहिए होता है। तो गाइस मैंने मार्स का न्यू परचेज किया है, ये है टेक अ ग्लो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, और इसमें जो शेड मैंने परचेज किया था वो आई थिंक गोल्डन कुछ था, मून ग्लो या 01 मून ग्लो, और ये आज मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे जितने भी मेकअप हैं प्रोडक्ट्स मैंने सभी मैच फर्स्ट टाइम ही करूंगी, इसलिए ये फर्स्ट फुल फेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन आप कह सकते हो। तो गाइस दिस इज हाउ इट लुक्स, ये है इसकी कि पंप के साथ ही आता है और काफी अच्छी लुकिंग, मतलब लाइक गुड लुकिंग पैकेजिंग लग रही है मुझे इसकी। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देती हूँ। तो गाइस ये इस तरह से शाइन करेगा आपके फेस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। फॉर्मुला इसका काफी ज्यादा अच्छा है, अभी आप देख सकते हो मैंने हाफ फेस पे इसलिए आपको लगा के दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये कैसा लगेगा। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा ग्लो आ गया है मेरे फेस के ऊपर, काफी सुंदर है और थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी है। तो अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगा रहे हो और सिर्फ इसको भी लगा रहे हो ना, ये तो भी चल जाएगा। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस जो मैंने परचेज किया है अमेजोन से, वो है मिस क्लेयर की प्रोफेशनल मेकअप एवरीडे फाउंडेशन, नेचुरल वेटलेस फाउंडेशन, और इसमें मेरा जो शेड है वो है 04 वार्म वनीला। इसमें काफी सारे शेड्स अवेलेबल थे और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, लेकिन काफी अच्छी शेड रेंज जिन्होंने निकाली हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, आई थिंक ये वाला शेड मेरे ऊपर चल जाएगा। तो मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ कैसा है, और इसको मैं एक साइड पे यूज करूंगी ब्रश के साथ, एक फाउंडेशन ब्रश, और एक साइड पे मैं यूज करके देखूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। तो मैं ना इसको बिल्कुल बफिंग मोशन में लगाने वाली हूँ ताकि इसका जो कवरेज है वो काफी अच्छा आ जाए। वाओ गाइस, कवरेज इज रियली वेरी गुड, आप देख सकते हो काफी अच्छी कवरेज आई है, और अभी मेरे पास काफी सारा फाउंडेशन पड़ा हुआ है, और अब मैं इस साइड इसको यूज करके देखती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये किसके साथ ज्यादा अच्छे से इसका कवरेज कौन से प्रोडक्ट के साथ ज्यादा अच्छे से आता है, ब्रश के साथ या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कवरेज गाइस, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, बहुत ही हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा मैट है ना ही बहुत ज्यादा ड्यूई है, कुछ इन बिटवीन है, और इसका कवरेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इतना जल्दी से ब्लेंड हुई है ना, मतलब वेरी 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 क्विक, और ब्लेंडेबिलिटी ऑसम, कवरेज ऑसम, लाइक मीडियम कवरेज है, ठीक है, और आप इसको बिल्ड भी कर सकते हो अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो, और मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है अमेजोन से, वो है SFR की गोल्ड आई शेडो पैलेट, इनकी न्यू लॉन्च भी है, इसमें और भी बहुत सारे कलर रेंज इन्होंने निकाले, तो मैंने ये गोल्ड फैमिली के कलर्स लिए हैं, पैलेट ली है। तो इसमें आपको आप देख सकते हो बहुत अच्छा मिरर भी मिल जाता है, और इसमें आपको टोटल 9 शेड्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल, आपको पीची, रोज गोल्ड, गोल्ड कॉपर, ब्राउन, इस तरह के फैमिली के कलर्स मिलते हैं, बहुत सुंदर है और काफी देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। और इसी के साथ तो आप देख सकते हो इसमें जो ब्राउन कलर है इसके साथ ही मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। Wow, the pigmentation is really very good, guys. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आई मेकअप। Alright, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाइट पीची शेड है ना, जो इसको लूंगी मैं, और इसको मैं लगाऊंगी अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर। अभी मैं ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड, और इसको मैं ले रही हूँ एक स्मॉल फ्लफी ब्रश के ऊपर, और इसको ही साथ में आउटर कॉर्नर को फिल करूंगी पहले। ओके, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इसको ना मैं पूरा अपना आईलेट के ऊपर ही लगाऊंगी, और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी शिमर शेड।
ओके, तो अभी आता है फन पार्ट। तो मैं क्या करूंगी, ये वाला जो ग्लिटर शेड है ना, थोड़ा सा रोज गोल्ड और दिस कलर, दोनों ही बहुत खूबसूरत कलर है, थोड़ा सा मिक्स करूंगी दोनों को। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर शिमरी शेड बन जाता है। तो मैं इनको लगाऊंगी अपने सेंटर ऑफ द लिट पे। वाओ गाइस, आई लव दिस पैलेट। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी SFR की गोल्ड पैलेट, और इसमें काफी अच्छे न्यूट्रल शेड्स हैं, तो आप इसको डे टाइम के लिए पार्टी मेकअप लुक्स के लिए कर सकते हो। काफी अच्छी पैलेट है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है Amazon से, वो है मेरे लैशेज। आप देख सकते हो कितनी सारे लैशेज हैं। ये है गाइस आई मैजिक के प्रोफेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड के हैं ये, और इसमें आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत आई लैशेज हैं ये। इसमें आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो गाइज इसमें आपको टोटल 10 आई लैशेज मिलते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी था। ये है इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग ब्लैक कलर की, और इसका जो प्राइस होगा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और ये इसमें बहुत सारे वेरियंट थे, आई थिंक 10 या 12 वेरियंट्स हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा हैवी चाहिए या लाइट चाहिए, डेली वेयर के लिए चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी हैं लैशेज, और मैं अभी आपको फटाफट से लगा के दिखाती हूँ। वाओ, माई लैशेज आर लुकिंग सो सो गुड, और इतनी ज्यादा लाइट वेट है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैंने लैशेज लगा रखी है। गाइज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इनको जरूर ट्राई करके देखिए, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप है तो भी, और अगर आप मेकअप लवर हैं तो भी। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वेरी वेरी लाइट वेट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैंने आई मेकअप में गाइस काजल ऐड किया है अपने लोअर लैश लाइन पे, ताकि थोड़ा सा जो लुक है वो ज्यादा एनहांस हो सके। और अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलूंगी, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है मेरा ब्लश। ब्लश जो मैंने न्यू परचेज किया है वो है मेबेलिन का फिट मी ब्लश, और इसका शेड है शेड रोज। वाओ, इसके अंदर ना थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं, तो मुझे इस तरह के ना ब्लशेस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़े थोड़े शिमर पार्टिकल्स हों। वाओ, इसकी पिगमेंटेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है, और आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई लव ब्लशेस, मुझे ना ब्लशेस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। वाओ, स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग, ब्यूटिफुल गाइज। अगर आप मेरी स्किन टोन के हैं देन गो फॉर इट, जल्दी से जाइए इसको परचेज कर लीजिए Amazon से। और जितने भी प्रोडक्ट आज मैंने यूज किए हैं सबके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मिल जाएंगे। और या बहुत ही ब्यूटिफुल, आज तो बहुत फैंटास्टिक मेरा वैलेंटाइन डे मेकअप लुक क्रिएट होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइज मैं आपको इस आई शेडो पैलेट के थोड़े से स्वॉचेस भी देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि फिर आप बोलोगे कि दिया आपने इसके स्वॉचेस नहीं दिखाए, तो गाइज शेड्स जो है सबके स्वॉचेस तो मैं आपको नहीं दे सकूंगी, लेकिन इसके जो थोड़े बहुत यू नो मैट शेड्स हैं या शिमरी शेड्स हैं, थोड़े से कुछ चीजों के मैं आपको शेड वो दे सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो रोज गोल्ड शेड, दिस इज अ मैट शेड एंड दिस लिटिल कॉपर शेड, और इसका ये वाला गोल्ड शेड भी बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ, पिगमेंटेशन आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी है, इवन शिमर शेड्स की भी काफी अच्छी है, और इनके गोल्ड की भी अच्छी है। तो अगर आप बिगिनर हैं ना, मेकअप लवर हैं, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही सुंदर कलर है, और बहुत अच्छे से आप देख सकते हो आई का मेकअप आज बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, आई लव इट। ये तो अभी बारी आती है लिप्स की, तो अभी आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी आउटलाइन कर लिया है लिप्स को, और आज लिपस्टिक भी मैं न्यू यूज करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और मैं जिसको बहुत टाइम से ये परचेज करना चाहती थी। तो गाइज वो है मार्स की, ये है न्यू मार्स मैटिनी लिपस्टिक। ये कुछ ब्राउन कलर की कार्ड इस तरह की पैकेजिंग में आती है। ये हाईली पिगमेंटेड है, नॉन ट्रांसफर, स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, और इसमें 299 रुपीज की आती है ये। और इसका जो शेड मैंने ऑर्डर किया था ये है रोमांटिक रेड, और वैलेंटाइन का यू नो मेकअप लुक हो या फिर वैलेंटाइन का मौका, और मैं रेड शेड ना परचेज करूँ ये हो ही नहीं सकता। और ये है गाइज इसकी इनर पैकेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सी पैकेजिंग है, और ये ना से ऐसे करके नहीं ओपन होती है, इसको आपको गोल गोल करके घुमाना पड़ेगा और फिर ये निकलेगी। और आपको मैं शेड दिखाती हूँ, दिस इज द शेड गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल रस्टी रेड शेड है, थोड़ा सा रस्ट है, हल्का सा ब्राउन हिंट है, और बहुत ही स्टनिंग शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, उसकी शेप भी काफी ज्यादा अच्छी है। और लेट्स सी कैसा लगता है ये लिप्स के ऊपर। वाओ गाइज सीरियसली दिस इज सो, बहुत सॉफ्ट है, बटरी है, एक सेकेंड में ग्लाइड हो रही है, पिगमेंटेशन इज ऑसम, आप देख सकते हो बहुत सुंदर है गाइज। आई थिंक मैं और शेड्स इसके ट्राई करने वाली हूँ। वाओ, आई लव दिस लिपस्टिक गाइज, ओ माई गॉड, मतलब इस लिपस्टिक के साथ ही मेकअप लुक पूरा चेंज हो गया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, आई लव इट। और मैं चलिए अब फटाफट से तैयार होकर आती हूँ, उसके बाद आपको मैं अपनी फुल एंड फाइनल लुक दिखाऊंगी।
सो गाइज दिस इज माई फिनिश फाइनल लुक. मैंने इसके साथ वेयर किया है व्हाइट कलर का टॉप. मुझे लगता है वैलेंटाइन डे पे आप व्हाइट के साथ इस तरह का मेकअप लुक भी अचीव कर सकते हो और थोड़ा सा ग्लैमरस भी दिख सकते हो. आप इसके साथ इस तरह का मिरर वाला चोकर पहन सकते हो. और ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने परचेज किए थे अमेजोन से. मेकअप लुक तो आप मेरा देख ही चुके हो. और अगर आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे थे. और आपको जो भी प्रोडक्ट अगर परचेज करने हुए मेकअप प्रोडक्ट और इस ज्वेलरी का, वैसे ये मैं पिछले हॉल में दिखा चुकी हूँ मेरा ज्वेलरी. और अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो प्लीज मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो. तो यहाँ अगर आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.